So hello my dear friends, I am Techno Miners and you are watching Techno Miners Study Cave. So आज की इस वीडियो में हम आपको रिकैप कराने वाले हैं अपनी पिछले वीडियो में हमने जो भी HTML बनाया है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा जो Techno Miners Study Cave था वो अब नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इस नए चैनल के साथ हम एक नई जर्नी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम अपनी रिकैप हम वापस रिकैप कर लेते कि हमने क्या क्या सीखा था HTML में। सो सबसे पहले हम HTML के टैग के बारे में जानते हैं। टैग, ओपन टैग, ये तो आपको पता चल गया था। अगर आपको फिर से जानना है कि मैंने क्या बताया था सो आप उस पुराने चैनल में जाके देख सकते हैं। और यहाँ से हम रिकैप वापस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से हम अब जाते हैं आगे। यहाँ पर हमने लगाया हेड और यहाँ पे हमने दिया टाइटल टैग। और टाइटल टैग को हमने यहाँ पे लिख देते हैं गो, जैसे पहले लिखा था हमने। यहाँ पे हमने फिर से लिखा TITLE टाइटल टैग, ये क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हेड टैग लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया, एक क्लोज टैग एंड ओपन टैग। और यहाँ पे फिर हमने यहाँ से अपना बॉडी टैग शुरू किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय देयर और यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं लगेगा, हमने पहले भी आपको बता दिया था। फिर यहाँ पे बॉडी टैग लगाया, यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, यहाँ पे HTML लिख दिया। और यहाँ पे हमने इसे CTRL+S से सेव कर दिया, हमने एक्सटेंशन सेव कर रखा था। और ये एक्सटेंशन यहाँ पे रिफ्रेश किया, हाय देयर यहाँ पे लिखा आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज है, हमने मेटानॉइड नेम से सेव किया है और ये .png में सेव है। तो हम यहाँ पे एक कोडिंग और लिखते हैं यहाँ बॉडी के अंदर ही। यहाँ पे हमने लिखा इमेज का img, ये हमने पहले बता दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वापस कर बता देता हूँ। यहाँ पे आप इमेज आपको डालनी होगी कोडिंग में, तो यहाँ पे img करके डालेंगे। और स्क्रीन आपको स्क्रीन अपनी आपको इमेज स्क्रीन में लगानी है तो SRC लिखा, फिर एक स्पेस देके, फिर यहाँ पे आपको देना है ये इक्वल टू का साइन, फिर आपको यहाँ इन डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर आपके जो भी यहाँ पे नाम है, यहाँ पे नाम है मेटानॉइड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं META मेटा NOID मेटेनॉइड। और यहाँ हमने .png में सेव किया हुआ है, सो इसे एपोस्ट्रॉफी करते हैं एंड देन इसको सेव करते हैं CTRL+S एंड देन ओ वेट गाइस, हमने गलत जगह से सेव कर दिया है। गाइस यहाँ पे हमारे कुछ एट्रीब्यूट छूट गए हैं। यहाँ पे हमने पोजीशन नहीं लिखी, हमें इसे कहाँ डालना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर लिखा या लेफ्ट, आप लोग को जहाँ डालना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ से टैग शुरू करेंगे। यहाँ हमने टैग लगाया है img इज इक्वल टू सेंटर, फिर उसके बाद CTRL+S किया CTRL+S एंड फिर हमने यहाँ पे SRC img ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पे सेव किया, टड़ा यहाँ पे हमारी इमेज लग चुकी है। फिर हमने आपको बैकग्राउंड में इमेज वो बैकग्राउंड फिल करना भी सिखाया था। सो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने स्पेस दिया एंड bg कलर, कलर की स्पेलिंग इसमें ये समझता है, इसको ये अंडरस्टैंड करता है, इसलिए आपको कलर की स्पेलिंग ये लिखना होगा। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एक्वा लिखा, फिर हमने CTRL+S किया, फिर उसके बाद हमने कलर चेंज कर दिया, सिंपल। सो गाइस, हमने ये तो पुराना रीकैप से हमने लिया, अब हम रीकैप से एक छोटा सा न्यू पार्ट लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसको हम कहते हैं मार्की। ये मार्की टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है गाइस। इस मार्की टैग से क्या होगा, आपकी जो भी इमेज है या टेक्स्ट है वो मूव होने लगेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं MAR
QUEE मार्की। ये मार्की टैग बहुत ही इजी टैग है गाइस, बहुत छोटा है। इस मार्की टैग से क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है, इमेज है या फॉन्ट आपने जो लिखा है, वो ऐसे यहाँ से यहाँ मूव होने लगेगी। सो यहाँ पे हमने मार्की टैग लगाया, यहाँ सेंटर इसके यहाँ से लिखते हैं, वरना इस साइड से, वरना ये जो हमारी इमेज है वो डिकोड नहीं होगी और फिर वो इमेज नहीं दिखाएगी, एरर दिखाएगी, एरर नहीं दिखाएगी लेकिन वो इमेज आएगी ही नहीं। सो यहाँ पे हमने MARQUEE मार्की टैग लगाया, CTRL+S किया, फिर हम यहाँ गए और टडा, अब वो इमेज यहाँ पे मूव हो रही है। वेट अ मिनट गाइस, कहाँ हो गई? सो गाइस वो यहाँ पे अभी मूव होते आ रही थी, दिखी अभी हमें इन्हें गाइस। सो गाइस ये देखिए, बहुत ही लॉन्ग जर्नी के बाद यहाँ पे मूव होके आ गया है। सो आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज है, कितने धीरे धीरे ये मूव कर रही है, और अभी हम ये टेक्स्ट को भी मूव करके दिखाएंगे आपको। सो यहाँ टेक्स्ट को मूव करने के लिए हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमने लिखा सेम। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं करते हैं, इसको भी साथ में ले ही लेते, इसको भी साथ में ले लेते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हमने मार्की टैग लगाया, MARQUEE मार्की, और यहाँ पे क्या CTRL+S, फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड आप देख सकते हैं हमारी ये जो पिक्चर है मूव हो रही है, और उसके साथ हमारा वर्ड भी है वो मूव हो रहा है। बट गाइस वर्ड कहाँ गया, लेट्स सी वर्ड कहाँ चला गया। ओ गाइस यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक टैग एक्स्ट्रा लग गया है। सो यहाँ पे हमने फिर से CTRL+S किया एंड सेव किया, और हमारी टेक्स्ट भी मूव होने लगी और पिक्चर उसके पीछे पीछे मूव होगी अभी, और देख सकते हैं पिक्चर भी इसके पीछे मूव होके आ चुका है। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉय इन टुडेज वीडियो। टिल देन गुड बाय, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे हेल्दी एंड लेट्स मीट ऑन न्यू वीडियो।